अगर मैं क्रोमा स्टोर पे आके ये पूरी फिल्म देख लूँ तो कैसे पायरेसी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पता नहीं क्लेम मार दे साले टीजरीज वाले हरामी कंपनी। ये श्रद्धा कपूर इतना नास्तिक है, मुझे कोई बता सकता है क्या तकलीफ है इस सजनी को? लाइफ में प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम के सोल्यूशन होते हैं, टेंशन नहीं होती। बता तो रुको, ये लिटरली मेरा बैग है, बस कलर ब्लैक की जगह पे पिंक और रेड है ये। मतलब अगर मैं लड़की होता तो मेरे पास ये वाला कलर होता, सच बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। और अगर तुम्हें यकीन नहीं ना, ये मेरा बैग का फीमेल वर्जन है। ये मेरा बैग, अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं ना, ये आईफोन सिर्फ शो ऑफ के लिए होते हैं। इसका प्राइस देखो बहन, क्या मैं जो लैपटॉप खरीद रहा हूँ उसका 3 लैपटॉप रह जाएंगे उसमें, इसमें 2, इसमें भी 2, मतलब 1.5 आ जाएगा इसमें कम से कम। क्या लूट रहे हैं? देखो मैं कोलकाता वालों को ऑफेंड नहीं करना चाहता, बट बहन क्या दिल्ली से ज़्यादा गर्मी कोलकाता में है, और ह्यूमिडिटी भी, मतलब दिन में ना तुम निकल नहीं सकते और शाम में इतना प्यारा मौसम होता है यहाँ का, मैं बता भी नहीं सकता, उन्हें खुद फील करना पड़ेगा वो, और रात में तो आनंद ही आ जाता है। मुझे एक बात बताओ, इतने मुझे लेते कैसे हो, हैं? शर्म नहीं आती? सालो मैं दिल्ली से एक नए शहर में आया हूँ और मोस्टली क्या बिल्कुल ही लैंग्वेज नहीं आती, वो तो भगवान का शुक्र है या ऊपर वाले का शुक्र है, क्योंकि दोनों में नहीं मानता मैं, कि बहुत सारे लोग हिंदी बोल लेते हैं यहाँ पे। बट ना हम तो हक के जाएंगे कमेंट में, कोरोना फैला रहा है। चलो तुमने कब देखा मैं मास्क नीचे करता हूँ? अमित शाह वहाँ पे रैली कर दे लाखों लोगों के सामने, किसी को प्रॉब्लम नहीं, मुंबई का निखिल करे तो मैं बता रहा हूँ आज का टाइटल होगा, अमित शाह पूछता है मुंबई का निखिल। चलो बहुत मुश्किल टाइम है ये, तुम मजे लेते रहते हो, बहुत ज्यादा हवा चल रही है, घर पहुँच के बताऊंगा, मतलब होटल पहुँच के बताऊंगा। हाँ तो क्या कह रहा था मैं, नाइस रहा करो मेरे साथ, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं मेरे, एक नए शहर में बिना किसी पैसों के होटल में रह रहा हूँ, घर नहीं है मेरे पास, इंटरनेट नहीं है मेरे पास, लैपटॉप तक नहीं था मेरे पास, तो वही लेने गया था मैं। तो पहले मैं सॉरी बोलता हूँ, कल मैंने वीडियो नहीं डाली क्योंकि कल मैं किसी और बंदे पर डिपेंडेंट था, जिसने मुझे बोला था कि वो दे सकता है, हेल्प कर सकता है, तो मैं कहा ठीक है, वैसे पैसों की कमी चल रही है, हेल्प हो जाएगी। पर मुझे इस बात पर भी यकीन था कि मेरी ब्रोसेना मेरी तरह गोलीबाज है, उसने भी गोली दे दी। और फिर मेरा था कि यार अब शूट करके साइबर कैफे जाके 2 घंटा बर्बाद करके मच्छरों को मार के कोई फ़ायदा है नहीं, तो लाइव स्ट्रीम कर लेंगे। फिर मैं कहा छोड़ो लाइव स्ट्रीम भी नहीं करेंगे, कुछ सामान चाहिए और एक घर देखने जाना था, तो मैं वहाँ निकल गया। तो उससे रिलेटेड अभी भी बात चल रही है, शाम आज रात तक कन्फर्म होगा क्या होना है नहीं होना है, फिर मेरा फ्यूचर डिसीजन डिसाइड करेंगे हम क्या करना है, क्योंकि अब लैपटॉप मेरे पास है जो उधर है, फिलहाल मैं डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसमें, बट अगर हम शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास इंटरनेट नहीं होगा, और प्लस जो डिपॉजिट साल एक तो हराम ही है, 99 acres वाले लिखा हुआ था मंथली रेंट 10,000 रुपये। मैं कहा ठीक है बढ़िया है, कोई डिपॉजिट नहीं, कोई ब्रोकरेज नहीं, क्योंकि मुझे यही पता था डिपॉजिट पता था, ब्रोकरेज तो पता भी नहीं था। फिर साले मेंटेनेंस पे भी आ गए, मैं कहा हाई ला ये भी होता है, बस इतनी सी बात है। तो हाँ नहीं अबे बहुत कल फनी चीज़ पता क्या हुई, अबे तो तुम्हें बताया था ना मैं चड्डी बनी आएंगे बिना आ गया मैं, बस यही प्यार है। तो मैं रूम देख के आ रहा था और मेरे को कैश विड्रॉ करना था, तो मैं गया, मैं चलता रहा। तो मुझे एक गारमेंट शॉप दिखी, तो मैं कहा चलो चड्डी ले लेते हैं, बढ़िया ले लेते हैं। तो जैसे तैसे हमने डील करी, और मैं हूँ बंदा रूपा वाला, रूपा और लक्सो जी, क्योंकि आराम का मामला है। साले ने जॉकी दिया बट सस्ता, तो मैं कहा ठीक है ले लेते हैं। साले ने वी शेप दे दिया, तब से अपने आपको विक्टोरिया मॉडल समझ रहा हूँ मैं, आदत होती है यार, अब कैसे पहनते ये, अब सच बोल रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आता यार क्या हो रहा है इसमें, मतलब हर टाइम फील होता रहता है कुछ लाइन चुभ रही है, मतलब इलास्टिक चुभती रहती है। और नहीं मुझे कंपनी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जॉकी अच्छी ब्रांड होगी, है मेरे पास पहले भी थी एक, बट वो रूपा टाइप की थी जो तुम्हारे थाई तक आती है, ये सारी वी शेप है। तो जब से मैंने ये पहना है ना, तब से मुझे उस हर लौंडे पे गुस्सा आता है जिसने इसको ट्राई किया और बहुत सपोर्ट दिया है। और लड़कियों के लिए इज्जत बढ़ गई, जो लड़कों को इंप्रेस करने के लिए इतना तकलीफ झेलती है। आई मीन सीरियसली बाय गॉड, अगर कोई लड़की देख रही है कभी मत ट्राई करना, तौबा तौबा तौबा, सच में मेरा तो बाद में होगा तुम्हारा पहले होगा, क्योंकि तुम फील करोगे वो चीज़ क्यों, व्हाई आई एम स्टिल हियर मैन। मीम नहीं है मेरे पास। तो तुम्हें लिखना पड़ेगा जस्ट टू सफर। ओ बाय गॉड, ये अफवाह किसने फैलाई हुई है वे, कोलकाता सस्ता है? कोई सस्ता वस्ता नहीं भाई, कोई सस्ता वस्ता नहीं है। मतलब 2 साल पहले मैं आया था ना, अब दिल्ली में था, तो दिल्ली में मैंने भी सुना था कि कोलकाता बहुत सस्ता है, मतलब अफोर्डेबल है। और 2 साल पहले जब आया तो मुझे भी लगा, क्योंकि 600 रुपये का होटल रूम मिला था, भाई साहब क्या बड़ा, मतलब 2 BHK जैसा, 2 BHK ही था काइंड ऑफ, और 600 रुपये, मैं भी एक्साइटेड था। तो इसलिए अब मुझे क्या मानता, 2 साल में दुनिया इतनी बदल जाएगी। अब तुम्हें क्या लगता है अगर मैं अपने तुम्हें क्या लगता है फरीदाबाद वाले घर में अगर मैं खुश नहीं था तो मैं दिल्ली में नहीं ले सकता था? दिल्ली ज़्यादा चीप लग रही थी मुझे, और मुझे पता है बट दिल्ली चीप नहीं है। मैं इस उम्मीद के साथ आया था कि अच्छा 2 साल पहले हम गए थे, कोलकाता सस्ता लगा था,
तो चलो चलते हैं भाई सब। यहाँ पे खाना और कपड़ा सस्ता है बस, खाना और कपड़ा, और कुछ सस्ता नहीं है यहाँ पे। और शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि मैं न्यू टाउन एरिया में हूँ, और जिन लोगों से मैंने बात करी वो कह रहे कि थोड़ा ना महंगाई वाले टाइप का इंसान है वालों की जगह का है। प्रॉब्लम मेरी रेंट भी नहीं है यार, रेंट तो निकाल ही नहीं है बहन। यहाँ ब्रोकरेज और ये डिपॉजिट जो मांग रहे हैं, मैं कहा खाली तू रूम दे रहा है या मेरे से मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है? हाँ दहेज में इतना चाहिए? छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन हरामी भाई, और जो भी प्रॉपर्टी वाला ना, और तुम साले जो ओवर प्राइस करके ब्रोकरेज ले रहे हो बेटा, CLW जाएगा तू। अगर बड़े लोग गएंगे ना तो CLWL निकलेगा, बता रहा हूँ। आज रात को सो सुबह उठेगा CL, सही बात कह रहा हूँ मैं। अब मैंने पिछले वाले होटल रूम में कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया था, तो तुम्हें लग रहा होगा मैं सेम होटल में नहीं, बट मैंने होटल चेंज किया क्योंकि वो बहुत कॉस्टली पड़ा था मुझे। हाँ वो नहीं बताऊंगा वरना तुम फिर बोलोगे अरे ज्ञानी एलन मस्क भी रही सर, जी फटी हुई है, पेमेंट कहाँ से आएगी इस महीने? तो आधे से ज़्यादा टाइम मैंने वीडियो भी नहीं डाली है। तो अब बाकी 10 मिनट करने के लिए क्या कर सकते हैं? रूम टूर, बड़ा नया आइडिया, यूनिक आइडिया भाई, आज तक किसी ने किया है? बिल्कुल नहीं, मैं करूँगा। तो ये मेरा गेट है और ये मेरी चड्डी के ऊपर तो ये मेरा गेट है और ये जो मेरी वी शेप चड्डी है उससे बेशरम, ये मेरा एंट्रिंग गेट है और ये मेरी वो चीज़ है जो मेरी वी शेप चड्डी है, यही चीज़ मेरी बेइज्जती होने से बचाती है मुझे क्योंकि अंदर से खुद बेइज्जत फील कर रहा होता हूँ मैं वी शेप के साथ। ये टेबल है, ये टेबल है, ये दो बैग हैं, एक ये वाला बैग मेरा वो है मैच्योर बैग जो मैंने खुद खरीदा हुआ है, ये वाला लैपटॉप के साथ मिला मुझे, ये मेरा मास्क है जो मुझे कोरोना से बचाने की मदद करता है। हाँ मैं अमित शाह नहीं हूँ ना, वरना मैं भी लाखों के सामने जाके भाषण देता। अबे यार सच बताना तुम्हें ये फनी नहीं लगता कि सुबह तुम रैली करते हो लाखों लोगों के सामने और बोलते हो इतना भीड़ हमने देखा नहीं, और शाम में आके बोलते हो मास्क पहनो, लॉकडाउन नहीं लगा रहे, घर में रहो, मोदी जी नहीं है? अबे उनके क्लिप भी नहीं लेके आया मैं, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अबे सच बोलो मैंने इतनी चीज़ें छोड़ गया उन्होंने मैं कि अब तुम्हें नए मीम देखने को मिल सकते हैं क्योंकि मुझे लिटरली डाउनलोड करने पड़ेंगे वो चीज़। हाँ आओ कंटिन्यू रखते हैं। तो ये मेरा टीवी है, ये पता नहीं क्या है, मेरे ख्याल से इससे केबल भी बुलाता है। ये गुड नाइट है, ये मेरा नहीं है तो रईसी मत बोलना भाई। गॉड खाना मामा साख नहीं कर रहा, ये दिखा देना मैंने तुम्हें भाई साहब हार्ट अटैक आ जाएगा तुम्हें। ये मेरा दूसरा टेबल, ये दराज खोलने के लिए मत बोलना क्योंकि इसमें दारू है। कौन बोला? मैं नहीं बोला मैं नहीं बोला, सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं बोला, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। अबे सच बोल रहा हूँ मैं नहीं बोला, खोल के दिखाऊँ क्या? छोड़ो ना, क्या छोटी छोटी बात पकड़ रहा, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। जिसने भी बोला ना कोलकाता सस्ता है, खाना कपड़ा ही सस्ता है जब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि दारू ट्राई करके देख लो तुम। अबे RS की बोतल 900 रुपए की कौन देता है? 950 की। मेरे घर वाले भी देखते हैं वीडियो बाय द वे, साथ भाग बहन क्या। ये मेरा रुमाल है जिसको मैंने कल ही धोया है, एक्चुअली धोने से मतलब पानी में डाल के खंगाला है। इसको तो तुम जानते ही हो जो हम घर पे यूज़ करते थे कैमरा। तो ये मेरी बालकनी है जहाँ से तुम्हें नज़ारे दिखते हैं। ये मेरा प्राइवेट रीता है, रीटा इसका नाम है एक्चुअली, मतलब अगर मैं कहीं पर भी रहता हूँ वहाँ पे एक छिप के लिए उसका नाम रीटा होगा। बाय गॉड सुबह मेरे को ना इतना नफरत होता है, कितनी धूप और गर्मी लगती है, बट जैसे शाम के 5-5:30 बजता है ना उसके बाद क्या मौसम होता है यहाँ का, आई मीन सीरियसली मैन अमेजिंग। बाय रीटा एंजॉय। ये मेरा बेड है जहाँ मैं लेट के हिलाता हूँ, ये मेरा बाथरूम है जहाँ मैं बैठ के हिलाता हूँ, ये मेरा सिंक है जहाँ मैं खड़े होकर हिलाता हूँ। अरे बंदी होगी तभी तो कुछ करेंगे ना वरना तो यही खिलाने वाली चीज़ें लगती है मतलब सारी की सारी। और ये बैड ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह जब मैं आया मैं थका हुआ था, मैं सो गया था। क्या करते हुए सोया था तुम्हें कमेंट में बताने की जरूरत नहीं, पाप लगे बता रहा हूँ। ये मेरे सामान है जिनके साथ मैं आया हूँ यहाँ कोलकाता शिफ्ट होने के लिए लिटरली बस इतने सामान के साथ आया हूँ मैं, और कुछ नहीं है मेरे पास। अबे नहाने तक का साबुन मैं खरीद के लाया हूँ कल, ये जो ये भी मैंने कल धोए थे। बढ़िया सब छोड़ो, ये अपनी तुम्हारी भाभी के साथ क्या है, मुँह बोली छोटी भाभी के साथ क्या सीन चल रहा है? मैं 2-3 दिन के लिए ऑनलाइन से गायब क्या हुआ भाई, हर दिन ड्रामा कर रही है वो। अरे कंगनान तेरा नहीं, आज बात नहीं करेंगे, कल बात करेंगे उसके बारे में। बाकी अभी के लिए इतना काफ़ी है, आई होप तुम लोगों ने इन्जॉय किया, और इन्जॉय किया तो लाइक करो ताकि मुझे पता रहे तुम्हें पसंद आ रहे कि नहीं आ रहे, और नहीं आ रहे तो क्या चेंजेस करना चाहिए, डू लेट मी नो मैन, क्योंकि अभी कुछ दिन ऐसे ही चलने वाला है जब तक सारी चीज़ें सेटल नहीं होती। सो लाइक कर देना अगर पसंद आए, और नहीं पसंद आए तो लेट मी नो क्या चेंजेस चाहिए। कल पक्का न्यूज़ करेंगे, कैसे वो मुझे नहीं बट फिगर आउट करेंगे, पक्का करेंगे बोल रहा हूँ। ठीक है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना नए हो तो, और मैं मिलता हूँ तुमसे कल। पीस आउट।